दोस्तों, प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं व्रत में खाने वाला मालपुआ, जिसको कि हमने शकरकंदी से बनाया है। तो चले एंजॉय करते हैं इस मालपुआ के साथ। ये हमने 250 ग्राम शकरकंदी ले लिया है, इसको हमने उबाल लिया है और ये आधा कटोरी शक्कर है और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, आपकी जो इच्छा हो वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और ये आधी कटोरी कूटू का आटा है, इसकी जगह आप सिंघाड़े का आटा भी ले सकती हैं। और ये आधी चम्मच इलायची पाउडर है और ये थोड़ा सा दूध है। तो चलिए आज हम व्रत के लिए बनाते हैं शकरकंदी मालपुआ। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और एक कद्दूकस ले लेंगे, इससे सारी शकरकंदी कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने शकरकंदी को कद्दूकस कर लिया। अब इसको हम हाथ से हल्के से इस तरह से करके गूंथ लेंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। वैसे इसको आप मिक्सी में भी डाल करके पीस सकती हैं, लेकिन मिक्सी में पीसता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है पीसने में, इसीलिए इसको आप इस तरह से अगर मैश करेंगी तो अच्छे से मैश हो जाएगा। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे और ये जो हमने ड्राई फ्रूट लिया है इसको इसमें डाल देंगे और ये शक्कर डाल देंगे और ये दूध डाल देंगे। सबको डाल करके अच्छे से पीस लेंगे। ये हमारी सारी चीजें अच्छे से पीस गई हैं। अब ये जो शकरकंदी हमने मसल करके रखा हुआ है इसमें हम इसको डाल देंगे और हाथ से ही धीरे धीरे इसको हम मिलाएंगे। ये हमने सब अच्छे से मिला दिया, ये देखिए कितने बढ़िया से ये मिल गया है। अब इसमें हम ये जो कूटू का आटा रखे हैं इसको डाल देंगे और ये इलायची पाउडर डाल देंगे और ये थोड़ा सा दूध और हम इसमें डालेंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ा अभी बन गया है, तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने सारी चीजें अच्छे से मिला दिया, ये देखिए इतना गाढ़ा इसका बैटर होना चाहिए। इसमें करीब हमने एक गिलास दूध डाला है। हमने गैस पर देसी घी चढ़ा दिया है, आप इसकी जगह रिफाइंड भी ले सकते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, इसको बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम पर ही इसको रखना है। अब ये जो हमने बैटर बना के रखा हुआ है इसको इस तरह से लेके और इसमें डाल देंगे और हल्का से इसको फैला देंगे इस तरह से। ये हमने मालपुआ को पलट दिया, ये देखिए कितना बढ़िया बना है और अच्छे से फूला भी है। कभी कभी ये होता है कि अगर आप इसमें डालेंगी तो चारों तरफ से ये फटने लगता है, तो इस चीज के लिए आप परेशान ना होइएगा। पहले आप थोड़ा सा डाल करके देखिएगा फट रहा है कि नहीं फट रहा है। अगर नहीं फट रहा है तो आप आराम से बना लीजिएगा। अगर फट रहा हो तो इसमें आप कूटू का आटा या सिंघाड़े का आटा, जिस चीज का आटा आपने मिलाया हो उसको और मिला लीजिएगा तो नहीं फटेगा फिर। ये लीजिए, हमारे शकरकंदी का मालपुआ बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही अच्छा बना है, ये देखिए कितना बढ़िया बना है और बहुत ही कुरकुरा बना है। खाने में भी तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ऊपर से ये कुरकुरा है, अंदर से एकदम मुलायम है। तो आप जरूर इस नवरात्र में इस मालपुआ को बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, सब लोग बहुत मन से खाएंगे। और शक्कर आपको अपने हिसाब से डालना है, अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहती हैं तो शकरकंदी भी मीठी होती है तो शक्कर डालने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग चले बनाएं और सबको खिलाएं, एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।